हरियाणा में पिछले काफी दिनों से सियासी हलचल बढ़ रही है। यूं तो इसके कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण कांग्रेस की आपसी कलह ही है जो सूबे के सियासी पारे को हाई कर रही है। कांग्रेस को हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगा। इसके अलावा निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को भारी नुकसान झेलना पड़ा। और इसी बीच अब एक और बड़ा झटका कुलदीप बिश्नोई के रूप में कांग्रेस को लगने जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। कुलदीप बिश्नोई, बिश्नोई समाज का एक बड़ा नाम जिसे कांग्रेस में नहीं मिल रहा सम्मान, जो हुड्डा खेमे से परेशान है, अपना अपमान सहन नहीं कर पा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस और हुड्डा खेमे को एक बड़ा झटका दे ही चुके हैं, लेकिन अब एक और बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में कुलदीप बिश्नोई को जिम्मेदारी नहीं मिली तो नाराज कुलदीप बिश्नोई ने अपनी नाराजगी अपने ही अंदाज में जता दी। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन के खिलाफ और निर्दलीय कार्तिकीय शर्मा के पक्ष में वोट डाला, जिसका परिणाम ये हुआ कि कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस के सभी पदों से निष्कासित कर दिया गया। हालांकि कुलदीप अपने फैसले और अपनी जिद पर अड़े रहे, जिसके बाद से लगातार कुलदीप बिश्नोई अपने समर्थकों के बीच गए और उनका मन टटोला कि आखिर अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या फैसला लिया जाए। साथ ही अपने समर्थकों का 26 साल का सूखा खत्म करने की बात भी कहते दिखे। मैंने कहा भी मैं कोई भी फैसला करूंगा तो मैं मेरे परिवार के लोगों से पूछूंगा, तो आज उसी लिए आपके पास आया था और आपकी भावनाएं मैंने सुन ली है, भावनाएं मैंने समझ ली। अभी मैं आदमपुर भी जाऊंगा क्योंकि वहां के लोगों का भी फैसला सुनना है मैंने। कुछ साथी कह रहे हैं हम आपको मिलने परसों आएंगे, उनसे मिलने में उसके बाद जो मेजोरिटी का फैसला है वही फैसला मैं करूंगा, और ऐसा फैसला करूंगा जिससे आपकी वनवास कटे। बहुत 26 साल से आप लगातार आप लोग मिल रहे हैं, मैं खुद देख रहा हूँ, कभी जो मेरे को मिलने आता हर एक को मैं कहता हूँ तकलीफ होती है, इतना बाल धोड़ा हो गया भाई। यानी साफ है आदमपुर हलके की फिर से सत्ता में भागीदारी होगी, क्योंकि साल 1996 में भजन लाल के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से परिवार सत्ता से ऐसा दूर हुआ कि अभी तक लौट नहीं पाया। यानी विकल्प फिलहाल दो ही सामने थे, बीजेपी या जेजेपी। बीजेपी से पहले भी खटपट हो चुकी है और जेजेपी में जाने से कुलदीप बिश्नोई मना ही कर चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर कुलदीप 1996 से चला आ रहा सूखा कैसे खत्म करेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि फिलहाल किसी भी दल में उनका सीएम बन पाना तो संभव नहीं, लेकिन सत्ता में भागीदारी जरूर हो सकती है। और इन्हीं तमाम अटकलों के बीच बीजेपी का रास्ता धीरे धीरे साफ होता भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात और अब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद ये संकेत तो मिल रहे हैं कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और हो सकता है कि यहाँ उन्हें या उनके बेटे को मंत्री पद भी मिल जाए। ये संभव इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अब राजस्थान में चुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि 30 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर कुलदीप बिश्नोई का अच्छा खासा प्रभाव है। यानी कुलदीप बिश्नोई राजस्थान के चुनाव में बीजेपी की मदद करेंगे और उसके बदले अपने लोगों का सूखा खत्म करने के लिए अपनी डिमांड भी पूरी करने की मांग बीजेपी के सामने रखेंगे। इसलिए कुलदीप या भव्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार में मिलने की पूरी संभावना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कुलदीप का अगला कदम क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल ये कि 1996 से चला आ रहा सूखा क्या अब खत्म होगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।